पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करने की गुजारिश की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं। आप कैसे देखते हैं, एक चिंता बढ़ रही है, दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, आज बैठक भी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? नहीं, सिर्फ कोरोना से ही चिंता नहीं बढ़ रही, भारतीय जनता पार्टी की चिंता जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए पहले टी शर्ट पर टिप्पणी, फिर दाढ़ी पर टिप्पणी, और उसके बाद अंततोगत्वा कोविड प्रोटोकॉल का बहाना लेकर के यात्रा को रोकने का प्रयास। मैं तो मनसुख जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राहुल गांधी इस देश के सबसे सजग नेता हैं, आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? आप सीधे फोन कर लीजिए, बात करिए, या फिर एक दिन यात्रा में चले चलिए, वहां राहुल जी से बात कर लीजिए। राहुल जी ने तो 2019 में हर्षवर्धन जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी सलाह दी थी, सुझाव दिए थे। जब नरेंद्र मोदी जी लिट्टी चोखा खा करके एग्जीबिशन में फोटो पोस्ट कर रहे थे तब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि कोरोना की सुनामी आने वाली है। तो राहुल गांधी जी को कोरोना की सजगता के बारे में चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं, चिट्ठी लिख करके राजनीति मत करिए मनसुख जी। भाजपा की भी बहुत सारी यात्राएं चल रही हैं, उनको भी एक आध को चिट्ठी लिखिए ना। ये छोटी छोटी चीजें, ये बड़ी सस्ती राजनीति है। मनसुख जी विद्वान व्यक्ति हैं, सदन में बैठते हैं तो लगता है कि नहीं गंभीर व्यक्ति बैठा हुआ, उनसे इस तरह के हल्केपन की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मुझे लग रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल अगर जिस दिन आप लागू कर देंगे उस दिन राहुल गांधी से ज्यादा, गांधी परिवार से ज्यादा इस देश में मेरा ख्याल है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने वाला आपको कोई नहीं दिखेगा। राहुल जी ने लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। और दूसरी मेरी बात है, पूरी कैबिनेट आए यात्रा में साथ चले, इम्यूनिटी बूस्ट होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, जो कोविड से लड़ने के सबसे जरूरी हथियार हैं। ये नकारात्मक सुबह शाम नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक बातें, आइए भारत जोड़ने का हिस्सा बनिए। भारत जोड़ने से तकलीफ क्यों है, यात्रा को आप रोकना क्यों चाहते हैं? जुड़ने की यात्रा है, जुड़ने की बात आती है तो भाजपा परेशान क्यों हो जाती है? हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।